जिला सिवनी में किसान कल्याण महाकुंभ। मध्य प्रदेश की सरकार हर मुश्किल में किसानों के साथ। शिवराज बने किसानों की ताकत। आज ग्राम गोपालगंज में मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना में आज जिला सिवनी के प्रथम चरण में 33 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हुए। 10 सेवा सहकारी समिति के केंद्र में आज किसानों के खाते में ब्याज माफी योजना आमागढ़, चावड़ी, चक्की खमरिया, गोपालगंज, भाटीवाड़ा, कातलबोड़ी, मुंगवानी, सिवनी, सिलादेही, मोहगांव इन केंद्रों के किसानों को पहले चरण में 37 करोड़ राशि जमा हुई। विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर किसानों के खाते में ब्याज की राशि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जमा की गई। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर गोपालगंज में विशाल किसान सम्मेलन कर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक के सोनी एवं कृषि कल्याण विभाग के उप संचालक मोरिश नाथ द्वारा समस्त किसानों को कार्यक्रम के माध्यम के द्वारा लाइव प्रोग्राम कर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक कर प्रदेश के चहुमुखी सेवा सहकारी समितियों के किसान जो डिफाल्टर हुए थे उनके खाते में ब्याजों की राशि उनके खाते में जमा की गई। इससे किसान दोबारा सेवा सहकारी समिति से खाद के लिए ऋण आवेदन पुनः कर सकते हैं जो कि 0% ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाएगा। किसान को कोई भी दशा में परेशान नहीं होने देंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के मुखिया ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ऊपर ब्याज माफी का ठीकरा फोड़ा और कहा कि हम जो बोलते हैं वह करके दिखाते हैं, यही मध्य प्रदेश की सरकार का वादा है। कार्यक्रम से पूर्व विधायक नरेश दिवाकर, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, जिला महामंत्री अजय डगोरिया, जिला उपाध्यक्ष संतोष अग्रवाल, सुजीत जैन, पूर्व अध्यक्ष बीजेपी, किसान महामंत्री शिव सनोडिया एवं मंच पर समस्त पदाधिकारी एवं सिवनी जिले के कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रशासक एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सभी को कैसे ब्याज की राशि जमा की जाए यह देखकर किसान संतुष्ट हुए।